नमस्कार, आप देख रहे हैं LTT न्यूज़। LTT न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के लाल कुआं की कॉलोनी नगीना में रह रहे लोगों को रेलवे प्रशासन ने 7 दिन में कॉलोनी खाली करने का दिया नोटिस। कॉलोनी निवासियों में फैला दहशत का माहौल। क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका आए उनकी सहायता को सामने, दिया कार्रवाई कराने का आश्वासन। जब मुख्यमंत्री ने कहा जितने में काम चलता है उतना लो, तो 45 मीटर बाहर 15 मीटर का मतलब 50 ऊपर गए थे पीछे, उसमें पूरी बस्ती टूट गई। तो वैसी बात कल यहाँ पर भी रखेंगे कि भाई बिल्कुल ये होता कि नहीं पक्का होता जंगलात का, अगर किसी बार नोटिस भी होता ना जंगलात का दिया हुआ उस समय का, तब भी हम आ जाते कि साहब उस समय जंगलात ने नोटिस दिया है, लेकिन नोटिस पहले किसी बार कि कल रेल विभाग ने इस कॉलोनी के लोगों को नोटिस दिया ऐसा जानकारी में आया, और मैंने उसके बाद कल ही मुझे यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधि एक ज्ञापन भी दिया। मैंने उसके बाद यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट से वार्ता की, और वार्ता करने के बाद कई बिंदुओं पर अपना विषय रखा कि अनावश्यक तोड़फोड़, व्यर्थ में जो है किसी का उत्पीड़न, जिसकी ज़रूरत न हो ऐसी ज़रूरत को कैप्चर करना, ये विषय नहीं होना चाहिए। उसके बाद शाम को उसके बाद ये लोग माननीय सांसद जी के पास गए थे। सांसद जी ने भी रेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, उच्च अधिकारियों से। शाम को मेरी भी सांसद जी से बात हुई, और मैंने माननीय सांसद जी से अपनी तरफ से भी आग्रह किया कि आप भी जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में बात कर लें कि अनावश्यक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर, हम सब लोग आए हुए हैं, लगातार आते रहते हैं, आज फिर आए हैं, और आज मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारी सरकार किसी प्रकार का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होने देगी। जितना आवश्यक होगा उसके विषय में रेलवे की लाइन भी बननी है। जैसा रेलवे के लोगों ने पूर्व में जितनी मांग की थी या जितने में बनाने की बात की थी, उतने में बहुत सारे लोग सहमत भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी उसमें नहीं होगा। लेकिन अनावश्यक करेंगे तो उस विषय में माननीय मुख्यमंत्री से मैं कल, अगर हल्द्वानी आए तब बात करूंगा, नहीं आए तो दूरभाष से वार्ता करूंगा और अपना ज्ञापन व्हाट्सअप करके उनकी जानकारी में पूरा विषय लाऊंगा। एक विषय अभी ये भी आया है कि अभी ये पुष्पा बहन यहाँ पर हैं, ये कहे थे कि जब हम यहाँ पर बैठे तो जंगलात वालों ने हमको उत्पीड़न भी किया, छप्परों को आग लगा के हटाने की कोशिश भी की, और जंगलात वालों ने डेरा डाल दिया कि ये अतिक्रमण खाली करो। तो उनकी बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जगह जंगलात में रही होगी। अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो फिर वन विभाग से भी बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे कि एक बार इस विषय को देख लो कि आखिर इस ज़मीन का मालिक है कौन। इस बिंदु पर भी आगे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम सब लोग भी हैं, और कोशिश करेंगे कि लोगों का मानसिक और शारीरिक या संपत्ति का उत्पीड़न न हो, ये हमारा आज का विषय है।